हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज की वीडियो की गेस्ट बना रहा है शेवरोले स्पार्क 2012 मॉडल, ऑब्वियसली पेट्रोल। तो इसमें सस्पेंशन का काम होना है, एक वाइपर ब्लेड चेंज होगा, एसी गैस टॉपअप होनी है और इसका हॉर्न चेक करना है। हॉर्न ढंग से नहीं बज रहा। बाकी यही गाड़ी एक हफ्ते पहले भी आई थी हमारे पास, तो तब हमने इसकी सर्विस करी थी और इसके व्हील बैरिंग लेफ्ट साइड के बहुत आवाज़ कर रहे थे, वो हमने चेंज तभी कर दिए थे। तब मैंने इसकी वीडियो ही बनाई थी। बट बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि छोटी गाड़ियों के लिए भी वीडियो बनाया करो, जो छोटी गाड़ियां आती हैं। तो आई थॉट ये आ जाइए, इसकी वीडियो बनाते हैं। तो तब हमने इसका सस्पेंशन बेसिक चेक किया था, तो आगे के दोनों फ्रंट शॉकर लीक थे और पीछे का एक लीक था, प्लस शॉकर माउंट भी ख़राब है। तो ये सामान तो इसका आ चुका है, बाकी अब जब खुलेगी तो ढंग से पता लगेगा कि और कुछ चेंज होना है या इससे काम बन जाएगा। तो दोनों फ्रंट शॉकर आ चुके हैं, पीछे का शॉकर और शॉकर माउंट आ चुका है। आफ्टर मार्केट ही हम यूज़ कर रहे हैं मनरो के, और शॉकर माउंट जो है वो गैब्रियल के हैं, बिकॉज गाड़ी को बजट में ठीक करने ज़्यादा खर्चा नहीं करना, प्लस शेवी के पार्ट्स प्रिक्योर करना जब से शेवी गई है इट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट। एंड मनरो के भी बहुत सही शॉकर आते हैं, इट्स अ वेंडर ऑफ मैनी कंपनीज। तो ये खड़ी है गाड़ी, आपको एक बार गाड़ी दिखाता हूँ एंड उसके बाद वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, हियर इज द शेवी स्पार्क अगेन एज ए 2012 मॉडल, और ये इसके शॉकर आ गए हैं। तो ये दोनों फ्रंट के हैं और ये वाला रेयर का है, प्लस शॉकर माउंट गैब्रियल के। तो चलो इसको खोलते हैं और इसका टाइम लैप्स शुरू करते हैं। तो गाइस, जो लोग कंप्लेंट करते हैं ना कि कुछ सेम सेगमेंट की गाड़ियों की लेबर दूसरों से ज़्यादा क्यों होती है, जैसे ये भी छोटी है, ह्यूंडई की भी छोटी है, तो एक की लेबर दूसरे से ज़्यादा क्यों होती है, रीज़न अभी दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, जैसे हमने देखा कि हम इसका शॉकर उतारने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे सारा हमने खोल दिया, डिस्कनेक्ट हो गया है, ऊपर से आधे घंटे से हम कोशिश कर रहे हैं। ये देखो, ये यहाँ है, इसके ऊपर था फ्यूज़ बॉक्स और ECM। पहले ये खोला, ये खोला, उस मतलब इनको खोलना भी आसान काम नहीं है क्योंकि ये ऐसे फिक्स होते हैं कुछ नट। ये देखो, यहाँ नीचे है, ये यहाँ लगे हुए हैं, और एक ये देखो कहाँ ब्रैकेट है इसका, देख रहे हो, यहाँ यहाँ, इनको खोलना इतना मुश्किल हो जाता है। तो ये रीज़न है कि कुछ गाड़ियों की सेम सेगमेंट की गाड़ियों की लेबर दूसरों से ज़्यादा होती है, सो दिस इज़ द रीज़न। और अब देखो उधर का भी जो है, ये दिखा मॉन्टियो का दिखा रहा है, खोलते खोलते मुड़ गई। सो ये टूल ख़राब हुआ, हमें उसकी कॉस्ट भी निकालनी है। अब इधर का देखो, शॉकर कैसे खुलेगा, पहले बॉटल खुलेगी, ये सारी पाइप डिस्कनेक्ट होंगी, हमें ये भी ध्यान रखना है कूलेंट लीक ना हो, थोड़ा सा होगा वो हम टॉपअप कर देंगे बट पूरा नहीं आना चाहिए, यहाँ से सारे क्लिप्स निकालने पड़ेंगे। प्लस देखो इसके दो बोल्ट यहाँ हैं, एक ये यहाँ से लगी हुई है कहीं नीचे से, सो दिस इज़ द रीज़न कि कुछ गाड़ियों की लेबर दूसरों से ज़्यादा होती है इसका? अब ये देखो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है इसको खोलने के लिए। ओके गाइस, फाइनली दोनों शॉकर खुल गए हैं, ये रहा लेफ्ट का, वो रहा राइट का, एंड यहाँ से रीसेट कूलेंट बॉटल भी खोलनी पड़ी, थोड़ा सा कूलेंट निकला भी है अराउंड आधा लीटर के आसपास, वो हम टॉप अप कर देंगे। बैटरी भी खुली है, ECM एवरीथिंग, प्लस अभी हो गया है लंच टाइम 1:52, तो लंच के बाद कंटिन्यू करते हैं।
सो गाइस, एक शॉकर तो चेंज हो चुका है, उसका कॉइल ये निकल गया है, नया दूसरा। और ये देखो, पुराना शॉकर माउंट, नया शॉकर माउंट, डिफरेंस गैप का आपके सामने है कितना नीचे बैठ गया। तो वैसे चाहे बहुत कम है मार्जिन, मुश्किल से आधा इंच भी नहीं होगा, लेकिन यही बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट करता है। ये देखो, अब देखो गैप तो देखने में तो चाहे कम लग रहा है, मुश्किल से आधा इंच होगा, लेकिन ये आधा इंच इतनी नॉइस क्रिएट कर सकता है आपके सस्पेंशन में। यूज़ कर इसको निकालने के लिए। तो चलो अब इसका टाइम लैप शुरू करते हैं। ये आ गया बाहर, तो इसका टाइम लैप्स शुरू करते हैं। सो गाइस, फाइनली आगे के दोनों शॉकर लग गए हैं, शॉकर माउंट लग गए हैं, आगे का काम हो गया कंप्लीट। ये पड़े हैं पुराने, एक दो, और पुराने शॉकर माउंट। और अब बारी है पीछे की, आगे का एजेंसी सी बैटरी भी वापस लगा दी है, सब लग गया है। अब पीछे की बारी है, तो कैमरा एजेंसी सी लगा रखा है। पीछे का शॉकर बदलते हैं, नया शॉकर अगेन मनरो का, ये पड़ा है। तो गाइस, पुराने शॉकर की हालत देखो क्या हो गई है। अगर मोंटी भी है, इसको दबा के दिखाना। ये देखो, ऊपर भी नहीं आ रहा वापस, इतनी बुरी हालत है इसकी। और ये है नया, ये देखो कैसे ऊपर आ रहा है, फिर से दबाने का। ये दबाते ही अपने ऊपर, ये लो, और वो आपके सामने है बिल्कुल नीचे। सो गाइस, पीछे का शॉकर भी लग गया है, आगे का काम भी हो गया है। अब इसके जो हॉर्न है, क्योंकि सिंगल बज रहा है तो हॉर्न लेने जा रहे हैं, एंड टेस्ट राइड भी करनी है कि आवाज़ बंद हुई कि नहीं हुई। उसके बाद वापस आके हॉर्न लगाएंगे, इसका एक वाइपर ब्लेड चेंज करना है, एसी गैस डालनी है, और ये वाला फेंडर भी ना बहुत ज़्यादा बज रहा है। रुको, मैं आपको वाइड एंगल में दिखाता हूँ, कैसे हिल रहा है पूरा, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। इसको भी टाइट करना है, प्लस मानते भैया बहुत शोर मचा रहे हैं, प्लस इधर से भी गाड़ी बैठ रही है। इवन दो शायद ये शॉकर लीक है या नहीं, इसे भी चेक करना पड़ेगा आके, बट यहाँ से अब गाड़ी बैठ रही है, क्योंकि तीन शॉकर नए हैं, एक पुराना, तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी बदलवा दूँ। सो इसका शॉकर भी ले आते हैं, चलते हैं टेस्ट राइड पे। 20 minutes later। ओके गाइस, गाड़ी की टेस्ट राइड ले आए हैं, और पीछे वाला शॉकर भी नया ले आए हैं, वो पड़ा है। तो जब तीन चेंज हो गए हैं, वो वहाँ से गाड़ी ना इस तरफ से बहुत ज़्यादा नीचे बैठ रही है, बिकॉज तीन नए हैं, एक पुराना, वो भी प्रॉब्ली वीक हो गया है, खोल के उसे भी देखते हैं, तो उसे भी चेंज करवा ही रहे हैं। प्लस हॉर्न भी ले आए हैं, हॉर्न भी कराएंगे, और इसके फेंडर भी बहुत लूज हैं, इतने आवाज़ कर रहे हैं। एंड इसकी बैटरी का वो भी नहीं है, ये भी लाना पड़ेगा, ये भी हिल रही है, ये देखो, तो इसका भी क्लिप लाना पड़ेगा। तब तक इसका टाइम लैप शुरू करते हैं। सो गाइस, ये निकल गया इधर का शॉकर भी, मोंटी भी इसको दबाना, ये देखो
हल्का सा भी बाहर नहीं आ रहा है, तो ये शॉक कर भी खत्म है बिल्कुल। अब ये लगाते हैं। सो गाइस, गाड़ी को अब हम ले आए हैं बाहर। यहाँ पे इसका बम्पर खुलवाएंगे, हॉर्न जो हुआ है हॉर्न, तो हॉर्न लगेंगे, प्लस इसके कंडेंसर को भी साफ़ करेंगे, केमिकल मार के पानी मारेंगे, क्योंकि लाइट आ नहीं रही और बिना लाइट के प्रेशर वॉशर चलेगा नहीं। सुबह से लाइट नहीं आज, तो डब्बों से ही करना पड़ेगा। एंड जो गाड़ी की हालत है सस्पेंशन के मामले में, तो मुझे लगता है कंडेंसर भी इसका पूरा चौक ही पड़ा होगा। तो चलो उसका टाइम लैप्स शुरू करते हैं। तो गाइस, ये पुराने हॉर्न हमने खोल दिए हैं बिकॉज ये नहीं चल रहे ठीक से। इसकी सेटिंग भी करके देखी बट नहीं काम कर रहे। एंड दीज आर द न्यू वंस जो हम लगा रहे हैं, ये डेंसो के हैं ओरिजिनल। सो दीज आर द वंस, तो ये नॉर्मल पीपी वाले हॉर्न हैं, नॉट द पॉपा टाइप, तो इन्हें हम लगा रहे हैं फिलहाल। ओके गाइस, गाड़ी का बम्पर का काम हो गया है, हॉर्न लग गया है। अब काशी भैया इसमें एसी गैस टॉप अप कर रहे हैं, तो गेज लगा रखा है। बस 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 बस, तो एसी गैस टॉप अप कर रहे हैं, प्लस वाइपर एक वाला चेंज करना है, एंड देन द कार विल बी रेडी। तो थोड़ी देर में इसका बिल बनेगा, उसके बाद आपको बताता हूँ कि टोटल कितना बिल बना आज इसका। ओके गाइस, फाइनली स्पार्क का बिल बन चुका है एंड टोटल अमाउंट इज़ अराउंड 13,500 जो आज सारा काम हुआ है इसमें। तो मोटा मोटा बता देता हूँ ब्रेकअप। फ्रंट शॉकर जो है दैट इज़ अराउंड 4,300 दोनों के, एंड रेयर शॉकर जो है वो अराउंड 2,700 के हैं। बाकी शॉकर अमाउंट इज़ अराउंड 1,150 और लेबर इसमें लगी है 2,500। बाकी एसी गैस टॉप अप हुई है अराउंड 800 की, या नहीं 700 ऐसी कुछ है। बाकी हॉर्न लगा है और वाइपर ब्लेड लगा है और एक बैटरी क्लैंप लगा है, तो बस यही छोटा मोटा है। तो उसका अगर रेट जानना तो कमेंट कर देना, मुझे अभी याद भी नहीं है। तो मेन पार्ट्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए, एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। और कोई भी इन्फो चाहिए हो नीचे नंबर है, कॉल कर लेना या कमेंट कर देना। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर, पीस आउट। तो दोस्तों फाइनली सारा काम हो चुका है, अब देखते हैं चला का टेस्ट ड्राइव। नकुल भैया आ जाओ, और देखो नकुल भैया हमारे कहाँ मस्ती कर रहे हैं। ये देखो और काशी भैया साथ में हैं। तो ये नकुल भैया की लुकिंग इज ब्यूटीफुल। और इधर मनोज भैया अपनी गाड़ी साफ कर रहे हैं, आइटन ग्रैंड अभी लिए इन्होंने नहीं बिल्कुल, और पार्टी दी नहीं है, ऐसे ऐसे लोग बाग भी हमारे धो रहे हैं। और इधर विनोद वाशिंग कर रहा है, ये देखो, और डेंटर साहब जा ही रहे हैं तुम्हारे इधर।